Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से चल रही तानातानी में लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने अब एक नया आयाम जोड़ दिया है। मुख्यमंत्री पर लगातार हमलावर चिराग पासवान ने इस बार नया पैंतरा चलते हुए नीतीश कुमार पर एक अन्य कारण से हमला बोला है। चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार में असल में नीतीश कुमार नहीं बल्कि उनके नज़दीकी नौकरशाह चंचल कुमार सरकार चला रहे हैं। चंचल कुमार उप मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार हैं उनके प्रधान सचिव हैं। चिराग ने यह भी बातें नीट और जेईई परीक्षा के संबंध में कही है। लोजपा अध्यक्ष ने आज बिहार विधानसभा चुनाव के अपने 119 संभावित उम्मीदवारों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। उनमें बैठक में सभी उम्मीदवारों ने इन दोनों प्रतियोगी परीक्षाओं के परीक्षार्थियों को उनके परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में मदद करने का निर्देश दिया है। सूत्रों के मुताबिक इस मुद्दे पर बोलते हुए चिराग पासवान ने कहा कि उन्होंने नीतीश कुमार को एक पत्र लिखकर परीक्षार्थियों की समस्याओं को केंद्रीय शिक्षा मंत्री से उठाने का आग्रह किया था। पासवान ने दावा किया है कि उनके पत्र पर मुख्यमंत्री की ओर से कोई पहल नहीं की गई, जिसके बाद उन्होंने चंचल कुमार से मामला उठाने का निर्णय किया। लिहाजा चिराग पासवान ने चंचल कुमार से फोन पर बात की। चिराग ने बैठक में अपने उम्मीदवारों से कहा, चूंकि बिहार में सरकार नीतीश कुमार नहीं बल्कि चंचल कुमार चला रहे हैं, लिहाजा उन्हीं से बात करना बेहतर है। बैठक को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में राज्य की जनता सुरक्षित चुनाव चाहती है, इसलिए आयोग को सभी जरूरी कदम उठाने होंगे। लेकिन जिस तरीके से गठबंधन में रहते हुए भी चिराग पासवान नीतीश कुमार पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये संदेश दे रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए की सीट बंटवारों की जो राह है वो इतनी आसान नहीं है और इसको बांटने के लिए बहुत सारे मशक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि अपने ही पार्टी के अपने ही अलायंस के नेता इस प्रकार के वो अपने मुख्यमंत्री पर बयान देते नजर आ रहे हैं। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।